हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 3.5। तो देख लेते हैं, एन अलॉय सर्कुलर बार ए बी सी डी। आपको एक ए बी सी डी सर्कुलर बार दे रखी है जो कि 3 मीटर लॉन्ग से, यहाँ पे 3 मीटर लॉन्ग बता दिए। सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स 50 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे एक आपका 50 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। इफ़ दी स्ट्रेसेस इन द मिडिल पोर्शन बी सी इज़ नॉट टू बी एक्सीड द 150 मेगा पास्कल। तो इसने जो बी सी की स्ट्रेस दे रखी है बीच की, वो उसने बता दिया कि सिग्मा बी सी की वैल्यू कितनी है आपकी, 150 मेगा पास्कल है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यही क्वेश्चन का यहाँ पे बता दिया उन्होंने। उसने बोला कि देन व्हाट शुड इट्स डायमीटर। तो इसका डायमीटर आपको बताना है। इसके बाद बोला कि ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मिडिल पोर्शन। आपको ये एल वैल्यू बतानी है। इफ़ द टोटल एक्सटेंशन ऑफ द वार शुड नॉट बी एक्सेड 3 mm, यानी कि टोटल डिफॉर्मेशन 3 mm दे दिया उन्होंने। तो क्वेश्चन में सबसे पहले मेरा काम है इस डायमीटर को निकालना। तो डायमीटर आपका सिंपल है, सिग्मा इज इक्वल होता है आपका पी ओवर ए। तो सिग्मा की वैल्यू आपको पता है 150 दे रखी है, पी की वैल्यू मुझे पता है कि 50 × 10³ दे रखी है, एरिया की वैल्यू मुझे पता है π/4, और ये हो जाएगा डी का स्क्वायर। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 150 में दिया हुआ है, पूरा नोटिस करा हुआ है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि डी स्क्वायर इज इक्वल 50 × 10³ ओवर पाई आ जाएगा, नीचे 4 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। 150 सॉल्व करोगे तो यहाँ से डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, डी की वैल्यू निकल के आई मेरे पास 20.6 mm आ गया मेरे पास। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा का पूरा सेम है, तो मैं इसको कंबाइंड ले सकता हूँ। यानी कि अगर ये लेंथ एल है तो इन दोनों पार्ट की जो लेंथ बचेगी वो बचेगी 3000 - kL, यानी mm में कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे देखेंगे कि टोटल डिफॉर्मेशन इज इक्वल, यानी कि एक डिफॉर्मेशन होगा आपका ए वाले हिस्से का 1+2 का, और ये बीच वाले तीसरे को इसको तीसरा लेते हैं, 1+2 का डिफॉर्मेशन, और एक होगा आपके तीसरे वाले का डिफॉर्मेशन। तो इन दोनों का डिफॉर्मेशन क्या होगा देख लीजिए ध्यान से, पी एल ओवर ए ई 1+2 वाला और इसका 3 वाला। पी की वैल्यू सेम है, 50 किलो न्यूटन मैंने कॉमन बाहर ले लिया, और इसने यहाँ पे ई की वैल्यू भी सेम दे रखी है, तो ई भी अपन बाहर ले लेंगे। ई दे रखा उसने 100 GPa, तो 100³ हो गया। एल की वैल्यू मैंने पहले के लिए हो जाएगी 3000 - L ओवर ए की वैल्यू आपको पता है कितना है, π/4 डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर मतलब 40² हो जाएगा। इसके बाद प्लस लगा देता हूँ, बीच वाले हिस्से को ले लेता हूँ, तो बीच वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी एल और नीचे आ जाएगा आपका π/4, डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20.6² का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको ये पता है कि टोटल डिफॉर्मेशन 3 mm से ज़्यादा नहीं होगा, तो इक्वल टू 3 कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ मेरा अननोन एल है, तो जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो मुझे यहाँ से एल की वैल्यू पता पड़ जाएगी। तो दिस इज़ राइट आंसर 1.64। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।